जैसा कि हमने देखा कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में और पाइथन में भी प्रोग्राम्स का अक्सर हिस्सा नंबर्स के साथ मैनिपुलेट करने में गुजरता है। तो नंबर्स इंफॉर्मेशन या डाटा को प्रोसेस करने के लिए मैनिपुलेट करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है वेरिएबल्स की। तो वेरिएबल्स क्या होते हैं ये देख लेते हैं। तो अगर हम इसको डिफाइन करें कि वेरिएबल्स आर यूज्ड टू स्टोर डाटा, तो वो एक तरीके से हमारे पास इंफॉर्मेशन को स्टोर करने का तरीका है। वेरिएबल्स को यूज़ हम कैसे करते हैं, हम वेरिएबल का नाम लिखते हैं, इक्वल साइन लिखते हैं और उसके बाद जो इंफॉर्मेशन उसको हमने असाइन करनी होती है या उसमें सेव करनी होती है वो लिखते हैं। तो बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल से तो देख लेते हैं। एज हमने एक वेरिएबल सोचा और उसको हमने वैल्यू असाइन कर दी 25। तो उसके बाद प्रोग्राम में हमने जिधर जिधर 25 इस्तेमाल करना होगा एज के लिए, हम 25 नहीं लिखेंगे, हम एज इस्तेमाल कर लेंगे। इसी तरीके से एक और वेरिएबल बन सकता है नेम, और उसकी कुछ भी वैल्यू हो सकती है, और इधर हमने एक इस्तेमाल कर ली पाकिस्तान। इसी तरीके से एक अरे भी एक वेरिएबल हो सकती है, तो मैंने इसका नाम रख दिया माई अरे और उसमें इंफॉर्मेशन ये स्टोर करती 1, 4, 9, 15, 5। कुछ रूल्स होते हैं कि पाइथन के अंदर जब आपने एक वेरिएबल का नाम रखना है तो वो किस किस्म का होना चाहिए। उसके लिए जो बेसिक रूल है कि वेरिएबल का नाम स्नेक केस होना चाहिए, और इसका बेसिकली मतलब ये है कि आपने लोअर केस में वेरिएबल्स का नाम रखना है और उनको आप अंडरस्कोर के थ्रू डिवाइड कर सकते हैं अगर नाम लंबा है। लेटर्स, नंबर्स और अंडरस्कोर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वो वेरिएबल के नेम्स जो होते हैं वो केस सेंसिटिव होते हैं। तो अगर आप लेट्स से जिस तरह हमने पिछली स्लाइड में देखा था कि हमने एक वेरिएबल एज इस्तेमाल किया, तो अगर एक और वेरिएबल मैं इस्तेमाल कर लूँ, उसमें ए कैपिटल रख लूँ और जी ई ऐसे ही रखूँ, तो वो एक डिफरेंट वेरिएबल होगा, ये वाला नहीं होगा। तो ये चीज़ ध्यान में रखने की बात है। इसके अलावा पाइथन लैंग्वेज में कुछ कीवर्ड्स होते हैं, हम उनको एज ए वेरिएबल इस्तेमाल नहीं कर सकते। एक कीवर्ड जो कि आप बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं नॉर्मली प्रोग्राम्स में, वो है प्रिंट। तो ये प्रिंट इक्वल 10 मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल दी है, ये रॉन्ग है, आप प्रिंट को एज ए वेरिएबल इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसके अलावा कौन कौन से कीवर्ड्स हैं पाइथन के अंदर, वो इस मैंने लिंक इधर प्रोवाइड किया है, इस पर हम जाके देख सकते हैं, तो वो अभी हम देख लेते हैं। इसके अलावा जो खास रिकमेंडेशन है वेरिएबल्स के लिए कि उसके नाम जो हैं वेरिएबल्स के वो डिस्क्रिप्टिव होने चाहिए। जैसे कि मैंने इधर एक एज इस्तेमाल किया था, तो डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन ये एक स्पेसिफिक पर्सन की एज भी हो सकती है, तो आप लिखेंगे उस पर्सन का नाम और साथ एज लिख सकते हैं, एंड सो ऑन। कहने का मतलब इधर ये है कि वेरिएबल का जो नाम आप रखें वो बाद में आप हफ्ता बाद महीना बाद दोबारा उस वेरिएबल के नेम को देखें तो आपको अंदाज़ा हो जाए कि इस वेरिएबल में क्या इंफॉर्मेशन स्टोर हो सकती है, या कोई और प्रोग्राम अगर आपका कोड पढ़ता है तो उसे भी पता चल जाए। इसके अलावा कॉन्स्टेंट्स हो सकते हैं, वो भी वेरिएबल्स हो सकते हैं। उसमें नॉर्मली ये होता है कि आप एक ऐसा वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं जिसको आपने कॉन्स्टेंट डिक्लेयर कर दिया है, और इसका मतलब ये है कि प्रोग्राम के अंदर किसी और हिस्से में जाके उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो उसके लिए हम ब्लॉक लेटर्स यानी कि कैपिटल लेटर्स इस्तेमाल करते हैं, और एक इसकी एग्जांपल है पाई 3.14। तो आइए अब हम वेबसाइट के ऊपर जाके देखते हैं कि कौन कौन से कीवर्ड्स होते हैं पाइथन के अंदर जिनको हम एज ए वेरिएबल इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो अब हम उस वेबसाइट के ऊपर आ गए।
यहाँ पर वो लिस्ट दी गई है कीवर्ड्स की, जो के पाइथन में डिफरेंट रीजंस के लिए इस्तेमाल होते हैं। अब इनका इस्तेमाल और इसकी डिटेल वो तो हम बाद में देखेंगे, लेकिन फिलहाल हमें सिर्फ इस लिस्ट से गो थ्रू करने की ज़रूरत है कि हम जान लें कि हम एंड को वेरिएबल नाम इस्तेमाल नहीं कर सकते, एज ए वेरिएबल नेम इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्लास नहीं कर सकते, डेफ नहीं कर सकते। तो ये इधर आप सारी की सारी लिस्ट देख सकते हैं। ऑलराइट, अब हम वेरिएबल से मुतल्लिक कुछ कोडिंग प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने सीखा था कि स्नेक केस के अंदर एक डिस्क्रिप्टिव नेम रखना चाहिए। तो एक डिस्क्रिप्टिव नेम ऑफ द वेरिएबल इन स्नेक केस, लेट्स से ये हो गया। इसके बाद हमने ये भी सीखा था कि वेरिएबल्स के जो नेम्स हैं वो केस सेंसिटिव हैं, तो उसको हम टेस्ट कर लेते हैं कि एक और वेरिएबल हम जनरेट करते हैं और उसमें एक छोटी सी चेंज करते हैं कि पहले जो W छोटा लेटर था अब हमने इसको कैपिटल कर दिया। अब इसका जो फर्क है वो प्रूव करने के लिए कि इस चेंज से ये एक डिफरेंट वेरिएबल बनता है या नहीं बनता, हम इन दोनों वेरिएबल्स को प्रिंट कर लेते हैं। आप आर आई जेड जब लिखेंगे तो आपके पास वो ऑप्शन दे रहा है, और अब टैब करेक्टर यूज करके आपको सारे का सारा टाइप नहीं करना पड़ेगा। अगर इसको रन करें तो हम देख सकते हैं कि उसने पहले वेरिएबल का नाम के अगेंस्ट जो वैल्यू थी वो प्रिंट कर दी, और दूसरे वेरिएबल के अगेंस्ट जो वैल्यू थी वो प्रिंट कर दी। एक और ट्रिक मैं आपको बता दूं वेरिएबल्स का, लेट से अगर आपने नाम, आपके पास एक से ज़्यादा वेरिएबल्स हों, आपने उनको वैल्यूज असाइन करनी हो, तो आप उनको इस तरीके से भी वैल्यूज असाइन कर सकते हैं। फिलहाल हम थोड़ा रूल्स को बोलते हुए बहुत ही सिंपल नाम रखते हैं यहाँ पर, और लेट से हमने उनको ये वैल्यूज असाइन करनी है, तो इस तरीके से भी हम इनको वैल्यूज असाइन कर सकते हैं। और उसके बाद हम प्रिंट ए बी सी इस तरीके से करेंगे तो भी ये कोड काम कर जाएगा।